नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजी न्यूज। मकरपुरा विस्तार में आई ह्यूमैनिटी फर्स्ट नाम की संस्था के ये दिव्यांग छात्र और बच्चे हैं। कोविड-19 में 4 चरणों में देश में लॉकडाउन दिया गया है, जिससे इस संस्था के करीबन 5 से 6 दिव्यांग और अनाथ छात्र बेसहारा हो गए हैं। न तो ये बाहर जा सकते हैं और ना ही किसी को मदद के लिए बुला सकते हैं। तब पास में आई सोसाइटी के नागरिक सौरव भाई चौधरी और उनके ग्रुप ने अपनी पॉकेट मनी में से लगातार 2 महीने तक इन बेसहारा दिव्यांगों को राशन मुहैया करवाया। आज जब बीआरजी न्यूज की टीम इन दिव्यांगों के पास पहुंची, तब इन्होंने लॉकडाउन के समय के संघर्ष को लफ्जों में बयां किया। इन्होंने सरकार से सहायता की गुहार लगाई है, दिव्यांगों और अनाथों के लिए भी राज्य सरकार कोई सहायता की घोषणा करे, ऐसी मांग इन बेसहारा और मजबूर लोगों ने की है। सर, हमारे 2 महीना लॉकडाउन में बहुत तकलीफ पड़ी, खावानी बहुत तकलीफ पड़ी। हमने हमारा विकलांग से हमें तो ही सता हमें कहीं कर ही नहीं सकता। आज हमारा सौरभ भाई ना पॉकेट मनी माती हमने एक राशन रुपये हमने मदद करी सर। हमारे आ लॉकडाउन ना कारण अमारे बहुत तकलीफ भोगवी पड़ी है। सरकार पास एवी आशा राखे कि अमने अमा बधा माटे कई करे छे, अमारा माटे भी कई करवू जो विकलांगों माटे कई बधाने मदद रू, अमारा माटे भी कई विकलांगों माटे एक करवू जोईए। हा सर, अमे 2 महीना थी लॉकडाउन में खावा माटे बहुत तकलीफ पड़ती थी। अने अमारी बाजू में एक सौरभ भाई करीने साहेब छे, एमने अमने 2 महीना माटे राशन पानी बधु अमारी सहाय करी। पण सर, अमे सरकार ने रिक्वेस्ट करीए छीए कि अमारा विकलांगों माटे कई मदद करो। बहु सर बहु तकलीफ पड़ी, कारण के अमे तो विकलांग छीए, काम करी शकीए नहीं। एटले अमार तो आधार कयो बीजो, बीजाना आधारे ज अमारे जीवू पड़े सर। सरकार साथे अमे एवी अपेक्षा राखीए छीए कि अमन हेल्प करो, मदद करो, हमारा माटे कई नव करे। पिछले 2 महीनों से सबकी हालत ख़राब थी, और 2 महीने में खास करके जो ये दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी सबसे ज़्यादा इनको अनदेखी किया गया है। इनके लिए जो एक्चुअली में रोज़गार और जो अनाज पानी का है, वो किसी ने नहीं किया। तो हमसे जितना हो पाया, हमने यहाँ पे जो 10-12 जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं, उनके लिए हमारे जो मेम्बर्स हैं, उन लोगों ने अपने पॉकेट मनी से इन लोगों का राशन और जो भी रहने का है वो बंदोबस्त किया है। तो मैं सरकार से ये अपेक्षा रखता हूँ कि दिव्यांग भाई बहनों के लिए भी कुछ रोजगार का और इनका रहने का और खाने पीने का कुछ सहयोग करें। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो करना ना भूलें।